जब वो फोटो मेरे हाथ में आई और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है वचन से। हालेलुया। और मुझे मालूम हो रहा था कि ये परमेश्वर मुझे यहां पे ये वचन को देने के लिए लेके आया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सिंपल एक फ्रेम नहीं है, सिंपल कि फ्रेम पे वचन लिखा है। ये परमेश्वर ने आज रेमा वचन के द्वारा मुझसे बात की। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, यर्मिया उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनको परमेश्वर फिर से उनके अधर्म को क्षमा करके अपनी ओर लेके आएगा और वो तौबा करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज जो ऑयल आपके सिर पे आ चुका है, आपकी बॉडी को ये हील कर रहा है राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपको एक प्रेशर पड़ेगा अभी, वो ना तो टॉयलेट का होगा ना यूरिन का, ऐसा लगेगा जैसे जच्चा पीड़ा होती बच्चों की जन्मने की वैसी, और रसौलियां बाहर आएंगी राइट नाउ। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील हो जाए जो बीमार है, कैंसर के रोगी आजाद हो आज इन जीसस ने। उसने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग को इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर, व्हील चेयर के रोगियों के ऊपर, ब्लाइंड के अंधों के गूंगों के पैरों के ऊपर आमीन हो जाए, ऐसी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। 7 आयत में लिखा है मैं इज़राइल और यहूदा के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जब एक व्यक्ति बंधुआई में बांध लिया जाता है उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अपने ऑयल को उठा लो अपने दाहिने हाथ में, यीशु मसीह के नाम में जो इस ऑयल को लगा रहे हैं। शैतान ने जहां जहां आपको बांधा, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें पहले के समान यानी आदम और हवा के समान बसाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन इस ऑयल के कारण आपकी जिंदगी और फाइनेंस और बॉडी से स्पिरिट से टूट जाए इन जीसस नेम। आमीन। मेरे का ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। जब लोगों को बंधुआई में लेके जाया जाता था तो वो अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे, जिस तरह से आज एक बीमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसे दवाई खानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यहोवा ने कहा मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, फिर से पहले के समान उन्हें बसाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां निकल आए, सब तरह की बंधुआइयां निकल आए, सब तरह की दुष्टात्माएं छोड़ के जाती रहे जीसस ने। उसने कहा मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। जब लोग बंदी बना लिए जाते थे उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। एक नौकर की कोई महिमा नहीं जब वो बंदी बना लिया जाता था, वो कोई जॉब नहीं थी, वो स्लेव था, वो स्लेव एक बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, वो भी यहूदियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन पाप के कारण बाइबल कहती बंधुआई में चली गई। पाप के कारण बाइबल कहती है उन्होंने वो किया जो उनको पसंद नहीं था। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, जिस शैतान ने आपको बांधा है परमेश्वर आपको आजाद करने आज से इन जीसस ने। उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो, यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं, गंदगी पाप को छोड़ता हूं, हर तरह के पाप को त्यागता हूं, मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदाबंद, मुझे मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा, आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
जब एक आदमी बंधुआई में चला जाता है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज इस मसीह के कारण जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार हर एक बंधुआई आपकी जिंदगी से टूट जाए, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन की हो, चाहे वो फेलियर की हो, निराशाओं की हो, फेल मैरिज की हो, डेथ स्पिरिट या एक्सीडेंट स्पिरिट के कारण हो, मैंने कहा हम लौटा ले आ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब लोग बंधुआई में जाते थे, उनकी बेइज्जती होती थी, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है, उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तुम मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापिस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में आपकी महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जो महिमा शैतान ने छीनी है, एक बीमार शरीर दिया है संज्ञाई को लेके, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में महिमा वापिस आ जाए, बीमारी आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम, बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम, बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। एक आदमी की महिमा उसके बिजनेस से जुड़ी होती है, कई घरों में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अधिक महिमा पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहता है तेरी महिमा को शैतान ने छीना है, मैं तेरी महिमा वापिस करने जा रहा हूं, मैं तेरी महिमा को वापिस करने जा रहा हूं, मैं तुझे पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत से बहनों को देख रहा हूं मैरिड, आपके कई बच्चों की शादी के योग्य हैं, किसी की हो चुकी है, आपको डिप्रेशन है, आप अन्य जाति परिवार से हैं, आपको डिप्रेशन का रोग है, आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत दुखी हैं आप, और आपने किसी से बात नहीं की ज्यादा, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। मोस्टली आपको ये आदत है मेकअप करने की, रेड लिपस्टिक आपका फेवरेट है, और मैं आपको देख रहा हूं राइट लाइट सूट में। परमेश्वर का आत्मा आपको पागलपन की स्पिरिट से आजाद कर रहा है। मैं यहां परिवारों को देख रहा हूं, आपके ऊपर कर्ज है पागलपन का, आपके बच्चे खासकर मर्द लोग पागल हो जाते हैं, यीशु मसीह आपकी महिमा को वापिस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बसा रहे हैं, हर एक पागलपन का कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आठ में लिखा मैं उनको सारे अधर्म और पाप के कामों से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। जितने अधर्म और अधर्म के पाप के काम, अधर्म के काम उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, उनको मैं क्षमा करूंगा। परमेश्वर आपको क्षमा कर चुके हैं, वो आपकी ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करने जा रहे हैं। अगर आप वायदा करते हैं यहोवा आज से मैं पाप नहीं करूंगा, याद रखो पाप, बीमारी, शर्मिंदगी, गरीबी बंधन की ओर लेके जाता है, शर्मिंदगी की ओर लेके जाता है, बेइज्जती की ओर लेके जाता है। और परमेश्वर में चलना, यहोवा के साथ संबंधों को स्थापित करना, इज्जत और पवित्रता ही में रहना, वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। नौ आयत में लिखा क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। अपने हाथों को उठा लो, मैं यहोवा के नाम से ऑयल को लगाओ अपने सिर पे, आपकी लाइफ को मसा घोषित करता हूं इस वचन के साथ कि परमेश्वर कहता है
कि वो भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। आज से आप परमेश्वर के भलाई के कामों को अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखें। आप सुनेंगे परमेश्वर ने आपके लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए, आपके बच्चों के लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको प्रॉब्लम है क्योंकि किसी ने आपकी भलाई के लिए सोचा नहीं। आपका भाई अमीर है लेकिन आपके लिए नहीं सोचा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी भलाई के कामों को करूंगा, मैं तेरे भलाई के कामों को करूंगा। वो सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थर थर आएंगे। परमेश्वर कल्याण आपकी लाइफ पर भेजने वाला है, शांति को भेजने वाला है। वो सारी गंदगी अटैक कारण जो अशांति को पैदा करते हैं, परिवारों में कलेश पैदा करते हैं, लाइफ में अस्थिरता पैदा करते हैं, आज आपकी लाइफ से इस ऑयल के मसे के कारण यहोवा उसको निकालता है सब चीजों को इन जीसस नेम। ओ हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे फिर से कह रहा है अगर तू वचनों को सुनेगा, अगर तू तौबा करेगा, टाइट को पे करेगा, प्रार्थना को करेगा, पवित्रता में रहेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कर्जों की उस शर्मिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। वो भलाई के काम तो यहोवा के देखेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। बाइबल कहती है वो पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। अगर अब आप किसी बॉर्न क्रिश्चियन के घरों में जाते हैं, बहुत पुराने क्रिश्चियन के घरों में जाते हैं, तो कई घर ऐसे हैं जहां शोभा नजर नहीं आती, परमेश्वर की स्तुति नजर नहीं आती, कर्ज नजर आते हैं, बीमारियां नजर आती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी ओर मुड़ेगा तो मैं तुझे उन जातियों की दृष्टि में जो तेरे आसपास रहती हैं स्तुति हर्ष और शोभा का कारण ठहराऊंगा। आपकी फैमिली में ऐसे काम होंगे कि यहोवा की स्तुति आपके जीवनों से होगी, उसकी शोभा आपके परिवारों से होगी इन जीसस ने। आज मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को टूटते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को जाते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को जाते हुए, पारिवारिक मेंबर्स को जाते हुए। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ठान चुका है उन लोगों के लिए जो उसकी ओर मुड़ चुके हैं। वो ठान चुका है उन लोगों के लिए कि वो आपको शोभा का कारण बनाएगा। अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने। अपने हाथों को उठा। याद रखो पहली कंडीशन यही है तुमने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, क्योंकि तौबा का मतलब है बपतिस्मा। जो लोग बोलते मैंने तौबा कर ली है पर बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी गलत फहमी को दूर कर लें, बिना बपतिस्मे कोई तौबा नहीं होती। मैं आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को बिखरते हुए देख रहा, टूटते हुए देख रहा। आपने तौबा कर ली है, मेरे साथ आज एक मन हो जा। जीसस ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं, कहा कि नहीं कहा? अब तुम क्या करोगे? तुम मेरे साथ एक प्रार्थना करोगे। अपने हाथों को उठा लो। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके लिए प्रेयर करूंगा और इन 10 मिनट के अंदर जो चल नहीं पाते वो चलेंगे। अपने हाथों को